मैं आज यहां से उद्धव ठाकरे को पूछना चाहता हूं, उद्धव जी हिम्मत है तो अपनी नीति स्पष्ट करो। ट्रिपल तलाक हटाया उससे आप सहमत हो या नहीं हो? मैं नांदेड़ वालों को पूछना चाहता हूं, ट्रिपल तलाक हटाया इससे आप सहमत है या नहीं है? उद्धव जी आप नीति स्पष्ट करो। राम मंदिर बन रहा है उससे आप सहमत हो या नहीं हो? मैं पूछना चाहता हूं नांदेड़ वालों को, राम जन्मभूमि पर मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? मैं उद्धव जी को पूछना चाहता हूं, भाजपा की कई सरकारें कॉमन सिविल कोड लाने की बात कर रही है, आप अपनी नीति स्पष्ट करो कि आप कॉमन सिविल कोड चाहते हो या नहीं चाहते हो? मैं नांदेड़ वाले को पूछना चाहता हूं, कॉमन सिविल कोड लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? जोर से बोले, लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? मैं उद्धव जी को पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम आरक्षण नहीं होना चाहिए, ये हमारी मान्यता है। मुस्लिम आरक्षण संविधान सहमत नहीं है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता है। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की जनता को बताए कि मुस्लिम आरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैं नांदेड़ वालों को पूछना चाहता हूं, मुस्लिम आरक्षण जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जोर से बोलो, जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? मैं उद्धव ठाकरे को पूछना चाहता हूं, कर्नाटक में जिनके आप साथी हो उनकी सरकार बनी, वो वीर सावरकर को इतिहास से के पुस्तक से मिटाना चाहती है, क्या आप सहमत हो? मैं नांदेड़ की जनता को पूछना था, वीर सावरकर का सम्मान, ये महान देशभक्त आदि बलिदानी आदमी का सम्मान, वीर सावरकर जैसे स्वतंत्र सेनानी का सम्मान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? उद्धव जी आप दो नाव में पैर नहीं रख सकते हो। महाराष्ट्र की जनता के सामने मैंने जितनी बातें करी है इसका जवाब स्पष्ट कर दीजिए, आपकी पोल महाराष्ट्र की जनता के सामने खुल जाएगी। माताओं भाइयों बहनों, ये 24 का जो चुनाव आना है, ये चुनाव जो आएगा इसमें आपने फैसला करना है किस देश का प्रधानमंत्री कौन बने, मोदी जी बने या राहुल गांधी बने? जोर से बोलिए, कौन बने? और जोर से बोलो, कौन बने? और जोर से बोलो, कौन बने? उद्धव जी आवाज सुनाई पड़ती है तो सुन लीजिए, आप वहां रहकर औरंगाबाद का नाम बदलने का समर्थन नहीं कर सकते, उस्मानाबाद का नाम बदलने का समर्थन नहीं कर सकते और अहमदनगर का नाम बदलने का भी समर्थन नहीं कर सकते। आपने महाराष्ट्र की जनता के सामने आपका स्टैंड स्पष्ट कर देना चाहिए।